और बहुत जल्दी हमारा सिल्वर प्ले बटन आने वाला है, जिसपे KTM हरिद्वार की तरफ से एक और बड़ा सरप्राइज आ रहा है, अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज। तो ये रहा हमारा गिफ्ट जिसको हम लोगों ने रैप करवा लिया है, एंड हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि प्रणव भैया को पहली बार कुछ दे रहे हैं। होपफुली बस उन्हें पसंद आया, उनका रिएक्शन देखने लायक होगा। पहले जाओ तो तुमने आईफोन तो नहीं खरीदा मेरे लिए? ये वो लड़की है मेरी, इससे नवंबर में बात हुई थी ना अंजलि, और हम लोग फिर ऑनलाइन फ्रेंड्स बन गए, और उसके बाद पहली बार मिल रहे हैं आज। सीरियसली हम लोग सच्ची में पहली बार मिल रहे हैं। तो किस्मत की इख्तियार कुछ ऐसी बीती आज कि आप लोगों की मोहब्बत आपके भाई को आज इस मुकाम पे ले आई है। मैं शायद उस मिडिल क्लास लड़के में से हूँ जिसने बचपन में बहुत सारे लोगों को बड़े बड़े सब्सक्राइबर्स अचीव करते हुए देखा है। मतलब ये चैनल मेरा तो शायद कभी था ही नहीं, जितने भी लोग मेरे से जुड़ते गए सब लोग अपने चैनल की तरह इसे सपोर्ट करते रहे, और आज हमारी ब्रो से ना 1,00,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुँच चुकी है। रात के 1:30 बज रहे हैं यहाँ पर, और कुछ देर में नंबर 1,00,000 होने वाला है, एंड दिस लोकल बॉय फ्रॉम देहरादून विल अचीव समथिंग टुडे। 99,997 सब्सक्राइबर्स गाइस, बस 3 सब्सक्राइबर और उसके बाद हम लोग 100 के पे होंगे। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है और मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। 2 बज रहे रात के, एंड हेयर वी हैव गॉट सैंडी विद अस। सैंडी सो रखी है, सैंडी हमारे 100 के सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, बोल दो 3 लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए। लिटरली आई एम एक्साइटेड अ लॉट। अभी 99,997, लेट्स स्वाइप इट डाउन, एंड हियर वी हैव 1,00,000 सब्सक्राइबर्स। चिल्ला नहीं सकता क्योंकि घर वाले सो रखे हैं, पड़ोस में सब लोग सो रखे हैं, बट फाइनली हमारे 1,00,000 सब्सक्राइबर्स हो गए, आई कांट बिलीव। और बहुत जल्दी हमारा सिल्वर प्ले बटन आने वाला है, जिसपे KTM हरिद्वार की तरफ से एक और बड़ा सरप्राइज आ रहा है, अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज, और साथ ही साथ यूट्यूब पे शायद पहली बार हो रहा होगा कि जो हमारी सिल्वर प्ले बटन की अनबॉक्सिंग होगी वो आप लोग करेंगे, क्योंकि मैं अपना सिल्वर प्ले बटन केवल और केवल आप लोगों के साथ खोलूंगा। और जल्दी हमारा मीटअप होने वाला है और आप लोग ही सिल्वर प्ले बटन की अनबॉक्सिंग करेंगे, क्योंकि आज शायद मैं यहाँ पर हूँ ना तो वो आप लोगों की वजह से हूँ, तो सारा क्रेडिट भी आप ही को जाता है। जिस दिन मेरा सिल्वर प्ले बटन आएगा उस दिन आप लोग अनबॉक्सिंग करोगे उसकी, और मैं चाहता हूँ यार दुनिया के सामने ना, मैं तो हमेशा से था, आज आप लोग आओ, मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ यार ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे को पर्दे के पीछे से सपोर्ट करा है, और आप लोगों ने मेरे को आज तक सपोर्ट करा है, तो अब मेरी बारी आप लोगों के सपोर्ट की। बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, और अब मेरी बारी है उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए। मैं बहुत सारे कोलैबोरेशंस करने वाला हूँ आने वाले टाइम में, ताकि यार अगर मैं ग्रो हुआ ना तो मेरे कारण शायद कोई और UKZ7 राइडर अगले दिन यहाँ खड़ा हो। तो जैसे कि आपको पता है ब्रोसीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी इन इंडिया, नीचे सब्सक्राइब के बगल में एक ज्वाइन नाउ का बटन आ रहा होगा, अगर आप ब्रोसेना का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप वहां से बन सकते हैं, आपको केवल ज्वाइन करनी है हमारी ब्रोसेना। तो ये सारे पर्क्स ब्रोसेना के लिए है, और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा गिव अवे आने वाला है जिसकी डिटेल्स मैं इंस्टाग्राम पे देता रहूंगा, तो आप वहां पर जाकर के मेरे से कनेक्टेड रह सकते हैं। सो वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस टू अनुराग भैया फॉर बिकमिंग द फर्स्ट व्लॉगर फ्रॉम उत्तराखंड टू हिट 100,000 सब्सक्राइबर्स, और इतनी मेहनत की है सबको पता है, पर अभी तो बहुत कुछ पाना बाकी है यार। नाउ इट्स अ रोड टू 500K एंड देन अ मिलियन। ब्रो सेना 100K यानी कि 1,00,000 की हो गई। अनुराग भैया बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन सबको, चीयर्स। यस मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन अनुराग भाई ऑफ अचीविंग 100K सब्सक्राइबर्स, एंड आई होप यू अचीव 1,000,000 सब्सक्राइबर्स वेरी सून। तो यार अब तक ऐसा हुआ है जब भी मेरे 10K, 20K, 50K, 90K और अब फाइनली 100K हो रहे हैं, KTM हरिद्वार की तरफ से हमेशा मेरे को कुछ ना कुछ सरप्राइज मिला है। आज हम लोग कुछ नेक्स्ट लेवल करने वाले हैं, और हम लोग प्रणव भैया को एक सरप्राइज देने वाले हैं, क्योंकि ही वॉज दी मैन जिन्होंने मेरे को 500 सब्सक्राइबर्स से सपोर्ट करा था, और आज हमारे साथ प्रत्योष है, ये आपको ऑलरेडी पता होगा, इन्होंने हमारी पेंटिंग बनाई थी, वो वाली पेंटिंग जो आप उसके बाद में देख रहे हैं वो इन्होंने बनाई थी, एंड बहुत ही उम्दा कलाकार है, और हमारे पास एक और सरप्राइज है आज प्रणव भैया के लिए जो कि हम आपको KTM हरिद्वार पहुंच के बताएंगे। तो आज एक और चीज स्पेशल बताता हूँ, टुडे इज 11th मार्च 2019, और आप लोग बिलीव नहीं करेंगे पिछले साल का जो KTM ऑरेंज डे था वहां पर मेरे को प्रणव भैया और अक्षय भैया मिले थे आज ही के दिन, और प्रणव भैया टोल्ड मी कि भाई तेरे को अगले साल तक 1,00,000 सब्सक्राइबर्स करने। टुडे वी आर हियर आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के प्यार से, एंड प्रणव भैया को आज मैं जिंदगी का पहला सरप्राइज दूंगा, क्योंकि यार
मैं जितनी भी तारीफ करूँ ना शायद उनकी कमी कम है, बहुत कुछ करा उन लोगों ने एंड उनका रिएक्शन नोट करेंगे। बहुत सारे सरप्राइजेस आने वाले हैं आज आप लोगों के लिए इस ब्लॉग में। तो यार फिलहाल अभी यहाँ पर बारिश हो रही है तो आज हम लोग KTM नहीं लेके जाएंगे, आज हम लोग प्रत्युष की गाड़ी में हरिद्वार जा रहे हैं। बारिश ही बारिश हो रही है देहरादून में, तो पता ही नहीं चलता टेम्परेचर कब इधर उधर हो जाता है। भीग जाएंगे सच, हम लोग कार ही पे जाएंगे। तो यार ये वाला वो सरप्राइज है जो कि हम लोग लेके जा रहे हैं प्रणव भैया के लिए, एंड कमेंट सेक्शन में जाके बताओ कि ये सरप्राइज क्या होगा। तो ये रहा हमारा गिफ्ट जिसको हम लोगों ने रैप करवा लिया है एंड हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि प्रणव भैया को पहली बार कुछ दे रहे हैं। होपफुली पे सुनने पसंद आया, उनका रिएक्शन देखने लायक होगा। सो फाइनली हम लोग KTM हरिद्वार पहुँच चुके हैं एंड अब जाते हैं। सरप्राइज हमने छुपा के रखा है क्योंकि पहले प्रणव भैया अच्छे पैसे मिल लेंगे एंड फिर वी विल हैव द सरप्राइज फॉर देम। सो यार आज 11 मार्च है और आप लोगों को विश्वास नहीं होगा हमें एक साल हो चुका है। अक्षय हम लोग लास्ट ईयर मिले थे ना 11 मार्च, हम लोग ऑरेंज डे पे थे और एक साल बाद एग्जैक्टली 1,00,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं हमारे। और स्पेशल शाउट आउट जाता है प्रणव भैया को और अक्षय भैया को, इन दोनों ने जितना करा है मेरे लिए शायद वो जिंदगी में कोई नहीं करता। और मैं तो पता नहीं कहां से डायलॉग सीख के आया सही बता रहा हूँ यार, मैं 500 सब्सक्राइबर से भैया और भैया ने सपोर्ट करा था एंड वी आर हियर टुडे। और आज हम लोग प्रणव भैया के लिए स्पेशल गिफ्ट लेके आए। हमेशा प्रणव भैया मेरे को लाइक यू नो सरप्राइजेस देते, तो आज मेरा फर्स्ट बनता है हम लोग भैया के लिए सरप्राइज लेके आ रखे हैं। एनी गेसेस क्या होगा? मेरे को लग रहा है LCD टीवी है HD फुल HD। अरे वाह क्या बात है। एंड ये है प्रणव भैया के लिए हमारी तरफ से एक बहुत बड़ा गिफ्ट, ये वाली फोटो प्रणव भैया की। अरे प्रत्युष अच्छा आपने बनाई है? अरे भाई थैंक यू यार, थैंक यू सो मच ब्रो, जबरदस्त, थैंक यू अनुराग भाई। महीने से मैं इसको बोल रहा था, मैंने कहा प्रणव भैया के लिए लेके जाएंगे कैसे लगा प्रणव भैया, ये तो हम घर के फ्रेम में टंगा हो गया, मजा आ गया। ही इज वेरी हैप्पी टुडे एंड हमेशा ये लोग मेरे लिए करते हैं, आज मैंने अपनी तरफ से बहुत बहुत मीन करता है मेरे लिए भैया, हमेशा संभाल के रखते हैं। अरे पक्का पक्का, थैंक यू सो मच। तो यार यहाँ से हम लोगों ने प्रणव भैया को सरप्राइज दे दिया है, अब हम लोग वापस घर जा रहे हैं। फिलहाल मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि मेरे को भव्या का फ़ोन आया एंड उसने बोला मेरे को भैया हम आपके घर पहुँच रखे हैं। तो भव्या सिद्धार्थ और एक दो जन मेरे घर आ रखे हैं, आई डोंट नो बोल रहे हैं कुछ सरप्राइज है ये वो, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम लोगों ने प्रणव भैया को तो सरप्राइज़ दे दिया। अब हम लोग वापस घर जा रहे हैं और अब हमारे लिए एक सरप्राइज़ है तो घर जाके पता लगेगा, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। मेरे दिल की धड़कने एकदम फू 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 चल रही हैं क्योंकि आज बहुत स्पेशल डे है मेरे लिए। एक साल पहले कभी नहीं सोचा यहाँ पर पहुँचूंगा बट आज इतना सारा प्यार मिला है लोगों से। हम लोग घर आ रखे हैं और यहाँ पर भव्य की स्कूटी है और एक सुचिता की स्कूटी है, अरे नो सुचिता भी आ रखे। कांग्रेचुलेशन 100K ब्रो, 100K सब्सक्राइबर्स, 100K सब्सक्राइबर्स ब्रो, कांग्रेचुलेशंस। एंड लुक हु वी हैव गॉट हियर, ये फर्जी लोग। इन्होंने अंदर वाला रूम डेकोरेट करा था जहाँ पर कोई लाइट अरेंजमेंट नहीं थे, तो हम लोगों ने अंदर वाले रूम से सारे गुब्बारे निकाल करके वापस हम लोगों ने यहाँ पर लगा दिए और हम सब लोग खुला रहे हैं। सुचिता कैसे लग रहे आपको आज यहाँ पर आकर के, आज हमारे 100K हो गए तो कैसे लग रहे आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, कांग्रेचुलेशंस अनुराग। हाँ पहले जाओ तो तुमने आईफोन तो नहीं खरीदा मेरे लिए? अरे कहाँ किडनी है भैया मेरे पास। तो ये लोग मेरे को वापस बाहर भगा रहे हैं, पता नहीं कुछ स्पेशल कर रहे हैं, सीरियसली मेरे को अब तक नहीं पता है। घर से बाहर निकाल रहे हैं, मेरे घर से मेरे को बाहर निकाल रहे हैं। कुछ नहीं देखना बाहर। तो यार उन लोगों ने हमें घर से बाहर निकाल लिया था बट हम लोग आपको एक स्टोरी शेयर करते हैं आज। ये वो लड़की है मेरी, इससे नवंबर में बात हुई थी ना अंजलि, और हम लोग फिर ऑनलाइन फ्रेंड्स बन गए और उसके बाद पहली बार मिल रहे हैं आज। सीरियसली हम लोग सच्ची में पहली बार मिल रहे हैं, मेरे को तो बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि मेरे को पता है इसे बहुत अच्छा फील हो रहा होगा मेरे से मिल करके। ठीक एवरेज बट मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ। हम लोग मतलब एक एक दिन में ना 8-8 घंटे बतियाते थे।
सबसे ज़्यादा तो इन बेगम का हाथ है हमारी ग्रोथ में। अगर तुम ना होती तो आज हम ना होते।